डाउटनट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के क्वेश्चन मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400। ये क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि हम लोग के पास दो सोप बबल्स था, एक रेडियस था ए, एक का रेडियस था ए, दूसरा का रेडियस था बी। ये दोनों कोएलेस करके एक बड़ा सा सिंगल बबल बन गया रेडियस सी का। ओके, अब ये हम लोग को बोल रहे हैं कि इफ द एक्सटर्नल प्रेशर कैपिटल पी है तो हम लोग सोप सॉल्यूशन का सरफेस टेंशन निकालना है। ओके, सरफेस टेंशन निकालना है। तो ये क्वेश्चन लेट्स अंडरस्टैंड इट बेटर थ्रू ए डायग्राम। पहले क्या होगा कि एक सोप बबल था, एक सोप बबल पहले ए रेडियस का एक सोप बबल था, प्लस फिर उसके साथ क्या हुआ कि एक बी रेडियस का एक सोप बबल भी कोइलेस हुआ, बी बबल का एक सोप बबल भी कोइलेस करके क्या हुआ कि एक सी रेडियस का बड़ा सा एक बबल बन गया। ये बोल रहे हैं हम लोग को क्वेश्चन में, सी रेडियस का बबल बन गया। ओके, अभी हम लोग को पूछ रहे हैं कि सॉल्यूशन ऑफ दी सोप सॉल्यूशन का सरफेस टेंशन निकालने के लिए। इसका रेडियस हम लोग को पता है कि इसका रेडियस है, इसका रेडियस ए है रेडियस इसका, और इसका रेडियस क्या है, इसका रेडियस इज नथिंग बट बी, एंड इसका जो रेडियस है इट इज नथिंग बट सी। ओके, अभी हम लोग को पता है कि अकॉर्डिंग टू मास कंजर्वेशन, मास कंजर्वेशन अकॉर्डिंगली ये एन वन, ये एन टू, ये एन। ओके, देन अकॉर्डिंग टू मास कंजर्वेशन नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल बिफोर एंड आफ्टर द प्रोसेस, दैट इज एन वन प्लस एन टू विल बी इक्वल टू एन, अकॉर्डिंग टू मास कंजर्वेशन। ये तो हम लोग को बोल सकते हैं, और हम लोग को क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है ऐसे टेम्परेचर डिफरेंट होते हैं, टेम्परेचर वैरी करते हैं ऐसे कुछ, तो हम लोग को ये ले सकते हैं कि ये जो प्रोसेस है जो दो बबल्स कोइलेस करके बबल बन जाने वाला जो प्रोसेस है वो आइसोथर्मल कंडीशंस में होते हैं। तो आइसोथर्मल कंडीशंस में होते हैं तो हम लोग को पता है फॉर एन आइडियल गैस पी वी इज इक्वल टू एन इन टू आर इन टू टी। ओके, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, दे फॉर एन वन, एन ये जो एन वन प्लस एन टू इज इक्वल टू एन हम लोग को कैसे लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज पी वन डिवाइड वी वन डिवाइडेड बाई आर इन टू टी प्लस पी टू वी टू डिवाइडेड बाई आर टी इज इक्वल टू पी थ्री वी थ्री डिवाइडेड बाई आर टी। ओके, ये जो आर टी आर टी आर टी सब टर्म में जो है वो हम लोग कैंसिल कर देते हैं, वी कैन राइट इट एज पी वन वी वन प्लस पी टू वी टू इज इक्वल टू पी थ्री वी थ्री, सिंस प्रोसेस क्या है, since process is isothermal। ओके, ये एक इंपॉर्टेंट assumption है। ओके, पी वन वी वन इज इक्वल टू पी टू प्लस पी टू वी टू इज इक्वल टू पी थ्री वी थ्री, इतना हम लोग को मिल गया। अभी हम लोग पी वन क्या है देखते हैं, पी वन क्या है, पी वन इज नथिंग बट पी वन इज इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर प्लस सोप बबल है इसका एक्सेस प्रेशर होगा। सोप बबल का एक्सेस प्रेशर क्या है, इट इज इक्वल टू फोर इंटू सरफेस टेंशन टी डिवाइडेड बाई रेडियस ए। ओके, सिमिलरली पी टू का भी एक एक्सेस प्रेशर होगा, पी टू इज इक्वल टू टोटल प्रेशर, पी टू का क्या है, पी टू इज इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर प्लस फोर टी डिवाइडेड बाई बी। ओके, सिमिलरली जो बबल फॉर्म हुआ है नया उसका प्रेशर क्या है, इट इज एक्सटर्नल प्रेशर पी प्लस फोर टी डिवाइडेड बाई सी। ओके, इतना हम लोग को पता है, और वी वन इज इक्वल टू पी वन पी टू पी थ्री हम लोग को मिल गया है, एंड वी वन वी टू वी थ्री ये भी हम लोग को मिल जाएगा। वी वन इज इक्वल टू फोर बाई थ्री इंटू पाई इंटू ए क्यूब। ओके, सिंस दिस इज ए स्फीयर, वी टू इज इक्वल टू फोर बाई थ्री इंटू पाई इंटू बी क्यूब। सिमिलरली वी थ्री दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द बबल फॉर्म्ड आफ्टर कोएलेशन इज इक्वल टू फोर बाई थ्री इंटू पाई इंटू सी क्यूब। ये जो वैल्यूज है ये हम लोग, ये जो इक्वेशन हम लोग बनाया पी वन वी वन प्लस पी टू वी टू प्लस इज इक्वल टू पी थ्री वी थ्री में हम लोग पुट करेंगे, पुटिंग इट इट इज इक्वल टू पी वन पी प्लस 4t डिवाइडेड बाई a इंटू v1 इज इक्वल टू 4 बाई 3 इंटू पाई इंटू a क्यूब प्लस p प्लस 4t डिवाइडेड बाई b इंटू
4 by 3 into pi into b cube is equal to the volume, the product of the pressure and volume of the bubble formed after coalescence. It is equal to p plus 4t divided by c into 4 by 3 into pi into c cube. ओके ये जब हम लोग सॉल्व करते हैं ये जब हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे सब टर्म में क्या है p plus 4t सब टर्म में है ये सब हम लोग को बाहर निकाल के हम लोग सॉल्व करने से हम लोग को क्या मिल जाएगा फाइनल आंसर हम लोग को मिलेगा कि फर्स्ट टेंशन ऑफ द सॉप सॉल्यूशन t इज इक्वल टू इट इज इक्वल टू c क्यूब माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब ऑल डिवाइडेड बाय 4 into a square plus b square minus c square all into the external pressure. ये होगा surface tension of the soap solution. ये solve करने से हम लोग को ये आराम से मिल जाएगा.